आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बताएं, बोर्ड परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आप लोगों का बोर्ड परीक्षार्थियों का पेपर कहां से बनाया जाएगा, इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी आई बड़ी अपडेट। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की डेट को भी घोषित किया गया है। वह बोर्ड परीक्षा के पेपर में दो बड़े मुख्य बदलाव किए गए हैं। पेपर कहां से आएगा, इसको लेकर तीन प्रकार की हिंट दी जाएगी, ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रसारित किया गया है। विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर को लिखने के अलावा उसमें कई बड़े मुख्य बदलाव के अलावा दोस्तों विद्यार्थियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। आइए पूरी जानकारी देते हैं। बस दोस्तों उससे पहले भी चैनल पर हम नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहेगा। आप सभी को बताएं कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षार्थी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी हिंट है। आप लोगों ने सरकार ने बताया कि तीन प्रकार की हिंट आपको दी जाएगी। पहला कि पेपर कहां से आएगा, दूसरा कौन से लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन को ही रेडी करना होगा। इन तीन प्रकार की हिंट है। इसमें से पहली हिंट दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रसारित कर दी गई, जिसमें बताया गया कि क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉर्ट से आप सभी को पेपर को रेडी करना होगा, जो कि सत्र 2015 से लगाकर 2018 होगा। 2015, 2016, 2017, 2018 इन चार सालों के सेटों को आपको रेडी करना होगा। यह बड़ी अपडेट मुख्य जानकारी निकल के सामने आई आप सभी देशवासियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। जी हां, जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षार्थी की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रेडी करना होगा। अगर यह पहले तरीके पहले हिंट को अगर आप समझ लेते हैं, यहां से क्वेश्चनों को रेडी कर लेते हैं, तो दूसरे हिंट में आप सभी दोस्तों स्कूल में चाहे जितने कमजोर विद्यार्थी हो आप टॉप मार देंगे, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के लिए कम समय सीमा में पूरे क्वेश्चनों को याद कर पाना संभव नहीं होता, पूरी किताब को याद करना संभव नहीं होता। इस वजह से पहले हिंट के अंतर्गत बताए गए क्वेश्चनों को समझना होगा। अभी से अनसॉर्ट को हल करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आप सभी अच्छे अंकों के साथ पास हो सके। आज के वीडियो में इतना ही, जानकारी इतनी जानकारी पर्याप्त हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।